आज हम दिल्ली कॉलेज के अदीब और उनकी खिदमात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। यह हैं मौजू बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट के तलबा मुस्तफीज हो सकेंगे। यह हैं मौजू दीगर क्लासेस के तलबा भी मुफीद हो सकते हैं। मैं आज दिल्ली कॉलेज के अदीब और उनकी कौन कौन सी ऐसी खिदमात है जो उर्दू में आगे आई और इनकी क्या मंशा थी, जो अदीब हुए हैं उनकी मंशा थी कि जो समाज है उसको मुआशरती और गरीबी से उठाया जाए और उनको इल्म का अमल आए, ऐसी सोच इन लोगों की थी। मैं आपको कहीं अदीब हुए हैं इनमें से अहम मास्टर रामचंद्र और इमाम बख्शेबाई, मास्टर प्यारेलाल और मौलवी करीमुद्दीन, मौलवी ममलूक आला वगैरह अदीब हुए हैं। इन्होंने दिल्ली कॉलेज की फरोग में हिस्सा लिया और दिल्ली कॉलेज की अदबी खिदमात को अंजाम दिया। दिल्ली कॉलेज में कई अदीबों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी तसानीफ व तालीफ के जरिए उर्दू नसर की तरक्की में अपनी खिदमात को अंजाम दी। इस कॉलेज के मुसन्निफीन और इनकी खिदमात मैं आपको मुंदरजा ज़ैल मुफसिल करूँगा। सबसे पहले मैं गुफ्तगू करूँगा मास्टर रामचंद्र इस कॉलेज के अदीबों में सबसे अहम खिदमात की है। मास्टर रामचंद्र अपनी जात में अंजुमन थे, वह हरकत की अलामत और तुगायाने अमल की तहरीक थी। इसी तरह इन्होंने इस कॉलेज को बहुत कुछ दिया। इन्होंने दिल्ली कॉलेज में तरबीत हासिल की, महकमा इमाल की मुलाजिमत छोड़कर तदरीस फराइज खिदमत खलीक के जज्बे के तहत कबूल कर ले। मास्टर रामचंद्र इस तहरीक के हीरो थे और जो हया उलूम की सूरत में दिल्ली कॉलेज से फूट रही थी। मास्टर रामचंद्र इस कॉलेज में साइंस के उस्ताद थे, ये साइंस की तदरीस तलबा को करवाते थे। जदी तालीम और साइंस ख्यालात की असाहत इनकी ज़िंदगी का अहम मकसद था। रियाजी से इन्होंने खास लगाव था। इसकी जदीद शाखों पर उर्दू में किताबें मौजूद नहीं थी। मास्टर रामचंद्र ने किताबों लिखकर उर्दू के दामन को वसीय किया। इन्होंने अपने रिसालों में, मैं आपको जिक्र करता हूँ कि मास्टर रामचंद्र चंद ने ये किताबें लिखकर उर्दू के दामन को वसीय किया। इन्होंने अपने रिसालों फवाइन नाजरीन और मोहब्बे हिंद
के जरिए अपने गिरोहों कदर मजामीन के तौसुत से मगरबी उलूम व फ़नून को बढ़ाने में ज़बरदस्त हिस्सा लिया। तस्कराए कामलीन और अज़ाइब रोज़गार इनकी मशहूर किताबें हैं। तस्कराए कामलीन में रोम यूनान के मशहूर फिलोसफरों और शोरा के मुख्तसर हालात अंग्रेजी और अरबी किताबों से अखज़ कर लिखे। मास्टर रामचंद्र ने उर्दू नसर को अंग्रेजी अकीयत पसंदी की तहरीक से रोशनाश और मुआसरती तारीख और इल्मी मौजूदात पर साइंस अंदाज में मजामीन लिखने की बुनियाद डाली। अहले हिंद की दावत दी कि वह जिंदगी के मसाइल को अकल की कसौटी परखने की कोशिश करें। इनकी इल्मी कारनामों को हर तरफ सराहा गया और सरकार ने उन्हें इनाम व इकराम से नवाजा गया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जकाउल्ला, मौली नज़ीर अहमद जैसे नामवर अदीब मास्टर रामचंद्र की शागिर्दगी पर हमेशा फख्र करते रहे, क्योंकि मास्टर रामचंद्र एक बहुत ही अच्छे अदीब, फनकार और कलमकार थे। इसके अलावा मैं आगे आपसे गुफ्तगू करता हूँ। इमाम बख्श भाई दिल्ली कॉलेज में फारसी के प्रोफेसर थे। सहबाई बहुत रोशन ख्याल और इखलाकी जुरायत के आदमी थे। जबान फारसी में इनको कमाल हासिल था। फारसी के एक बड़े आलम और अदीब की हैसियत से इन्हें लोग आज भी याद करते हैं। इन्होंने सर सैयद की किताब आसार सनादीद में बहुत मदद की। इनकी किताबों में तर्जुमा, हदायक, इबलागत, उर्दू सिर्फ नहू और शोरा ही उर्दू के तस्करा बहुत मशहूर है। शहबाई ने दिल्ली कॉलेज में मशरक की इल्मी व शह जिहारी को परवान पर चढ़ाया। इसके बाद मैं आपको अगला जो अदीब है वो मास्टर प्यारे लाल है। 1825 ईस्वी में एक इल्मी व अदबी अंजुमन दहली सोसाइटी के नाम से कायम की। वह खुद इसके सेक्रेटरी थे। इस सोसाइटी के जेरे इंतजाम बहुत से मुफीद लेक्चर दिए गए। मुफीद लेक्चरों से इन्होंने उर्दू जबान को समाजी मौजूदात से रोशनाश कराया। आगे मैं आपसे अगला जो अदीब है वो मौलवी करीम उद्दीन तस्करा ए उनसा जैसी ताकि किताबें लिखकर उर्दू जवान की खिदमत को अंजाम दी। मौलवी ममलूक अली एक बहुत ही बड़े फनकार कलमकार हुए हैं। इन्होंने उर्दू जबान में अपनी खिदमात को बहुत अच्छे से अंजाम दिया। ये दिल्ली कॉलेज के एक बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे फनकार हुए हैं। इन्होंने अपनी जबान के जरिए आम फहम और आसान जबान में उर्दू में कई किताबें लिखी है। मौलवी ममलूक अली वली अलाहा के सिलसिले के बड़े से आलम थे और इस कॉलेज में अरबी के सदर मुदर्रिस थे। इनके अलावा इस कॉलेज में ऐसे उस असाताजा मौलवी सज्जान बख्श, डॉक्टर जियाउद्दीन मुंशी शिव नारायण,
आराम राम कृष्ण धर्म नारायण के नाम अहम हैं। इनके असाहब ने दरस व तदरीस के लिए अलावा तसनी व तालीब में भी अपना नाम कमाया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें दिल्ली कॉलेज के कहीं ऐसे अदीब हुए हैं तो उनका मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ, गुफ्तगु कर चुका हूँ। मैं एक मकोला आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये कॉलेज सिर्फ कॉलेज ही नहीं बल्कि एक तहरीक था जिसने बकौल अनवर रसीद उर्दू अदब के बंद पानियों के को ख्यालात के जुए ताज़ा की सूरत देने की कोशिश की। इस तरह उर्दू जबान व अदब पर इस कॉलेज के बड़े दो रस असरात मुरतब हुए। बकौल मौलवी अब्दुल हक, अपनी जबान को इस वक्त जिस तरक्की याफ्ता सूरत में देखते हैं उस पर बला वास्ता या बला वास्ता तहरीक का बहुत ही कुछ असर हुआ है। शुक्रिया।